मध्य प्रदेश में मौसम ने सोमवार को धूप और छांव का मिलाजुला असर दिखाया, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। दीपावली के बाद दिन और रात के तापमान में भी अंतर कम होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन के समय तेज धूप का अनुभव किया जा रहा है, जबकि रात होते ही तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री से कम दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से कम रहा, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया। ये गिरावट गुलाबी ठंड के संकेत देती है, जो कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रतलाम जिले में सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पचमढ़ी में रात का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ये स्थिति दिन और रात के तापमान में भारी अंतर को दर्शाती है, जो इस समय की विशेषता है। पंद्रह अक्टूबर को मध्य प्रदेश से मानसून विदा हो चुका था, लेकिन उसके बाद लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 23 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहा। हालांकि अब मौसम साफ हो गया है, जिससे रात के समय तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आएंगी, तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार की रात के लिए प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में उमरिया, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। ये बारिश आने वाले दिनों में तापमान को और प्रभावित कर सकती है, खासकर रात के समय। इस मौसम के बदलाव का असर सामान्य जीवन पर भी पड़ रहा है। ठंडी रातें लोगों को गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर कर रही हैं, जबकि दिन में धूप के कारण लोग हल्के कपड़े पहनने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति न केवल आम जनता के लिए बल्कि किसानों के लिए भी चिंता का विषय है। किसानों को ये चिंता होती है कि अगर तापमान में अत्यधिक गिरावट होती है तो फसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकल 18।